अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जो है खबरें अब गर्दिश करना दोबारा शुरू हो गई हैं कि शीशा जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है, शीशे पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी, और हम देख रहे हैं कि नशावर चीज़ें जो हैं अब बच्चों के स्कूल में भी फरोख्त हो रही हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशे के आदि बनते चले जा रहे हैं। अब नशे जो पहले सिलेक्टिव होते थे, अब जो है नशे की बहुत ज़्यादा काइंड्स आ गई हैं। आइस का नशा है जिनमें, चर्स का नशा है जिनमें, शराब का नशा तो था ही था शुरू से, लेकिन अब बहुत ऐसे नशे आ गए हैं जिनके नाम भी मुझे नहीं पता हैं। तो हमारा जो माशरा है वो नशे का आदि होता जा रहा है। कहाँ से ये नशा आता है, किस तरह से इसकी सप्लाई की जाती है, कौन सी चेन इसके पीछे मुलव्वस है, इस सब पर भी हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी के यंगस्टर हैं, यूथ जो है वो नशे की आदि होती जा रही है। हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी शीशे पर, और जहाँ जहाँ शीशा जो था सप्लाई किया जाता था और जो यंगस्टर जो है वो उसको पीते थे तो उस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब दोबारा से जो है हम देख रहे हैं कुछ खबरें ऐसी गर्दिश करें कि वो जो है कई जगह जगह पर जो है इस तरह के रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जो स्पेशली वहाँ पर शीशा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो तो अपना पैसा बना रहे हैं लेकिन लोगों की जिंदगियों से जो है वो खेल रहे हैं, और बहुत से ऐसे घर जो है वो तबाह हो रहे हैं। हम देख रहे हैं गुटखा जो है कैंसर की अलामत बनता जा रहा है, मुँह का कैंसर होता जा रहा है, बॉडी में आपके कैंसर होता जाता है। गुटखा जो है, अगर हम कभी इसकी पूरी वीडियो देखें, डॉक्यूमेंट्री हमने बहुत सारी इसकी चलते हुए भी देखी, अगर हम लोग खाने वाले ये देखें तो शायद उनको इससे नफरत शायद ना हो लेकिन हमें तो हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि कितनी गंदगी से जो है वो बनाया जाता है लेकिन लोग उसके कैसे आदी हो जाते हैं, क्या उन्हें खाने में मज़ा मिलता है ये सोचकर भी हैरत होती है। तो इस तरह के जो नशे हैं आजकल जो है हम देख रहे हैं, गदागर जो है वो जगह जगह भीख मांगते हैं और अपना घर चलाने के बजाय हम उन्हें भीख भी देते हैं कि चलो यार वो अपना पेट पाल रहे हैं या घर वालों का पेट पाल रहे हैं, लेकिन वो जो है अगर हम उन्हें प्रॉपर सर्च करें देखें तो कुछ ऐसे भी फ़कीर हैं जो कि नशा करते हमें दिखाई दे रहे होते हैं। हमने बहुत सारे ब्रिजेस के नीचे देखा है कि बहुत सारे लोग जो है हीरोइनची टाइप जिन्हें कहा जाता है वो बैठे हुए जो है वो आइस का नशा कर रहे होते हैं, हीरोइन का नशा कर रहे होते हैं और सुध पड़े होते हैं, उनके साथ कोई कुछ भी कर ले उनको होश नहीं होता। और स्पेशली हम देख रहे हैं मर्दों की तो हमने बात की, यंगस्टर की बात की, बच्चों की भी बात की, और स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो भी हमें काफ़ी एक्टिव जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है फीमेल्स में काफ़ी आम हो गया है। नॉर्मली जो है स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए जो है फीमेल्स स्मोकिंग कर रही होती हैं कि स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, या स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए जो है लोग कहते हैं कि हम नशा कर रहे हैं। और इवन ऐसी मेडिसिन भी हैं, स्लीपिंग पिल्स जिन्हें कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी टैबलेट्स हैं उनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको एक आदत हो जाती है नशे की, सुकून की एक आदत हो जाती है। स्ट्रेस में होते हैं लोग तो वो सुकून लेने के लिए जो है वो मेडिसिन का भी जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इसके लिए क्या इकदाम किए जाएँ, इसको कैसे रोका जाए और कितना इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और बच्चों की पहुँच से इसको कैसे दूर रखा जाए, और जो अम्बात हो रही है इससे रिलेटेड इन पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं फौजिया तारिक, जो हमारे प्रोग्राम में अक्सर आती रहती हैं और हम इस तरह से उनके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आपसे शेयर भी करते हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। जैसे कि मैंने ब्रीफिंग की, आपने सुनी लिया होगा और आप तो माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, तो क्या कहेंगी किस तरह जो है नशे से हम लोगों को दूर रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम इतने सारे लोगों को तो दूर नहीं रख सकते लेकिन हुकूमत को या कुछ जो आला अहदेदारान है उनको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत जिससे जो है नशे जो है उस पर टोटली पाबंदी लगाई जा सके। जी, थैंक यू सो मच कौकब फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑफ कोर्स ये ड्रग्स का जो है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज एक शख्स अगर किसी फैमिली में ड्रग्स लेता है वो ख़ुद तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है लेकिन साथ में पूरी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही होती है, बिकॉज ड्रग एडिक्शन इतनी बुरी डिजीज़ है कि आपका अपना बहुत चाहने वाला और आपका आप जिससे बहुत प्यार करते हैं जिस शख्स से, वो ऐसी मर्ज में मुब्तला होता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो टोटली डिपेंडेंट होता है ड्रग्स के ऊपर। तो अब इसमें होता यह है कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो होते हैं वो कैजुअल यूज़र्स होते हैं, लाइक अगर फ़र्ज़ करें कि दो फ्रेंड्स हैं और अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो एक जो होगा वो कैजुअल यूज़र होगा, उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करेगा। दूसरे होते हैं एडिक्ट्स, ये वो पेशेंट्स होते हैं कि जिनकी बॉडी अगर एक बार इन्होंने ड्रग इनटेक ले लिया तो वो फिर ड्रग्स के डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो उसके बगैर रह नहीं सकते। तो जो आप बात कर रही थी कि स्ट्रीट्स पर और जो इस तरह के लोग नज़र आते हैं, दे आर बेसिकली ड्रग एडिक्ट्स।
तो ये वो यूजर्स हैं कि जो एक बार ले ले या इनको कोई लगा दे तो फिर इनको आदत पड़ जाती है. लाइक पहले एक पैक लेंगे, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर एक एक बॉटल पी जाएंगे. और पहले तो फौजिया, पहले जो तो था कि नशा जो था बहुत ही लोगों की पहुंच से दूर था, अब उसका एक्सेस जो है बहुत आम हो गया. हम देख रहे हैं कि हर गरीब से गरीब की पहुँच में, हालांकि नशा आवर चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं. तो मतलब अब जो है गरीब से गरीब लोग जो हैं, इवन हम खबरें भी देखते हैं कि शराब का जो नशा है, कुछ हाई प्रोफाइल शराबें भी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती है कच्ची शराब भी होती है, जिससे लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया भी हो जाती हैं. और गुटखा कितना जानलेवा है, लोगों को मतलब अपनी जान की कोई कीमत नहीं है उनकी नज़र में. जी, अब देखिए इसमें ड्रग लेने की कई वजूहात होती हैं. इसमें सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि लोग रिलैक्स करने के लिए खुद को लेते हैं ड्रग्स के जी, और कुछ लोग होते हैं पीयर प्रेशर में आके ले लेते हैं कि दोस्तों में बैठे तो ज़बरदस्ती किसी ने आपको ऑफर कर दी, ज़बरदस्ती आपको स्निफ करवा दिया, ज़बरदस्ती शराब पिला दिया, ज़बरदस्ती आपको टैबलेट्स दे दी, आप कुछ प्रॉब्लम बताने गए, आप परेशान हैं और आप पीयर प्रेशर का शिकार हो गए. और तीसरा ये होता है कि आप जो है एक तो स्ट्रेस हो गया, एक पीयर प्रेशर हो गया, और तीसरा ये होता है कि आप जस्ट ट्राई करना चाहते हैं न्यू चीज़ों को, और फिर आप उसमें धंसते चले जाते हैं जब आप ट्राई ऑन करते हैं. और जब आपको रियलाइज़ होता है तो लोग हेल्प की भी फिर ढूंढते हैं, हेल्प भी सीक आउट करते हैं, और लोग ठीक भी होना चाहते हैं. लेकिन इसमें पहली चीज़ तो ये है कि ऑफकोर्स इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई भी ड्रग, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो या मुश्किल से मिले या आसानी से मिले, तो इस तरह तो हम अगर समद बॉन्ड की बात करें तो वो बिल्कुल ही सस्ता नशा है. बहुत ही तो नशे वो भी लोग तो समद बॉन्ड सुन के जी, वो आप देखें सड़कों पे जो है वो पड़े रहते हैं लोग. तो इसमें सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक चीज़ बुरी है और वो आपकी सेहत के लिए जो है वो बहुत ख़राब है, और आपको नहीं लेना है, और आपको नो कहना है ड्रग्स को. अब जैसे कि ऑफकोर्स लोग आपको ऑफर करेंगे, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए कि उनको पहले से ही आप सारी ड्रग्स निकाल के बता दें. आजकल तो गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है. तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सबसे पहले तमाम ड्रग्स की निकाल के फॉर्म्स, शक्ल ये दिखा दें, और उनको तंबीह कर दें कि अगर उस किसी पार्टी में उनके बच्चों को ये ड्रग ऑफर करता है कोई, तो वो उसको जो है वो नो कह सके. मैं आपको इस साथ एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगी. एक मेरी जानने वाली थी, उन्होंने मुझे कंप्लेन की कि मेरा बेटा जो है वो एक पार्टी में गया और उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई, और मेरा बेटा जो है वो तब से बहुत स्ट्रेस्ड आउट है और अपने कमरे में बंद हो गया. ओ लेवल्स का स्टूडेंट था. हुआ ये कि उसके फ्रेंड ने घर में पार्टी की, तो वहाँ पर जो है वो अल्कोहल भी और कुछ ड्रग्स भी उसने सर्व की वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को. अब चूंकि ये बच्चा बिल्कुल न्यू था, फर्स्ट टाइम उसके घर गया था, क्योंकि उनको शौक हो रहा था कि मैं पार्टी जाऊँ, मैं देखूँ पार्टीज़ कैसी होती हैं, अटेंड करें ये, तो उसको चूँकि शराब की आदत नहीं थी ना उसने कभी टेस्ट की, तो उसके फ्रेंड्स ने उसको ज़बरदस्ती जो है वो लिटा के उसके मुँह में शराब डाली. और जब उसने इनकार किया तो उसको बहुत बुरा भला कहा कि तुम तो मर्द ही नहीं हो, कैसे हो, शराब नहीं पी सकते, ये नहीं है. और वहाँ पे लड़की भी उसके ऊपर देकर मारी के जी इसके साथ आप सेक्स करें, तुम तो कैसे इंसान हो, ये है वो है, मामा बॉय हो और तुम तो सिसी हो, तुम ये नहीं कर सकते. इस तरह की फ्रेंड्स ने जो है वो वर्डिंग्स यूज़ की. खैर उस बच्चे को वॉमिटिंग शुरू हो गई और जब उसकी तबीयत नहीं संभली वो बेहोश हो गया, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स हैड टू कॉल हिज पेरेंट्स. वो गई अपने बेटे को लेकर घर आ गई. जब बच्चा होश में आया तो खैर उसने ये सारी स्टोरी बताई. तो जब उन्होंने उनके पेरेंट्स को कॉल किया कि आपके घर में मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ सलूक हुए, इतना बुली हुआ मेरा बेटा मासूम और उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाएगी, तो उन पेरेंट्स ने आगे से जवाब दिया कि हमारे घर में तो शराब चलती है, हम तो ख़ुद भी पीते हैं और हमारे बच्चे भी पीते हैं, हम तो माइंड नहीं करते. अगर आप माइंड करती हैं तो आपको हमारे घर भेजना ही नहीं चाहिए था. तो दैट वॉज द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, आप समझदार हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप पीते हैं या आप जो भी कुछ करते हैं, लेकिन कम अज़ कम आप अपने बच्चों को तो ऐसी तरबियत नहीं दें, क्योंकि एक चीज़ जो ख़राब है बच्चों की सेहत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, आप कैसे उनको रिकमेंड कर सकते हैं, आप कैसे परमिशन उनको दे सकते हैं. अगर क्या कब आप जहर पीने की
किसी को आप परमिशन देंगे या आपका बच्चा रैट पॉइजन खा ले, अगर घर में कोई भी बंदा या पेरेंट्स नहीं, इसके अलावा कोई भी आपकी अगर फैमिली मेंबर कोई इस तरह स्मोकिंग भी करता है, तो आप अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी इफेक्ट कर रहे होते हो ना, क्योंकि वो भी इनहेल कर रहे होते हैं स्मोक जो होता है. और मेडिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत डैमेज करता है अंदर जाके लंग्स को स्पेशली अगर बात की जाए तो. नहीं, और फिर एडिक्ट अगर आप हो जाए तो आपके अपने घर की एक एक चीज बिकेगी. अगर आपका बच्चा कोकेन एडिक्ट हो गया तो आपके घर में एक कुर्सी भी नहीं बचेगी, क्योंकि ये इतनी बुरी एडिक्शन है कि अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो घर की एक एक चीज बेचेगा, घर वालों को मारेगा, पीटेगा. वो अपने नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो चोरी चकारी पे भी लग जाता है, क्योंकि इसीलिए तो ड्रग्स एंड क्राइम अगर बंद कर दे, नहीं मिल रही होती पैसे देना, तो वो घर की चीजें उठा के. एग्जैक्टली, ये ड्रग्स एंड क्राइम इसीलिए तो अभी इसीलिए तो कराची पुलिस चीफ ने कहा कि क्राइम इसलिए ज्यादा हो रहा है कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए सोचा कि हम पहले ड्रग्स को कंट्रोल करें अपनी सोसाइटी में. इसीलिए उन्होंने बहुत फास्ट ऑपरेशन शुरू किया हुआ है ड्रग्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनके ख्याल में कि ड्रग्स कंट्रोल होंगी तो. लेकिन फौजिया, हमने पहले भी देखा इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, पाबंदियां भी आयद की जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा से ये चीजें उभर कर सामने आ जाती हैं. इनकी प्रॉपर जड़ से सफाई क्यों नहीं की जाती? एक्चुअली वो जब उभर के सामने आती है ना, तो वो वही लोग होते हैं जो यूजर्स होते हैं, जिनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो एंजॉय करते हैं. हमने ये भी देखा है कि हमने रिसेंटली न्यूज में हमने ये भी देखा था कि छोटे छोटे नौमौलूद बच्चों को किडनैप किया जा रहा है और उनके टमी को मतलब काट के उसमें कैप्सूल भर के नशा, तो इट्स वेरी कॉमन. यस, जाते हैं इस तरह से स्मगलिंग. और ये तो एयरपोर्ट पे अब उन्होंने मशीन्स लगा दी हैं कि आपकी पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है, और उसमें अगर कोई ऐसी ड्रग्स आप लेके जा रहे हैं तो वो उनको पता चल जाता है. वहाँ पे एंटी नार्कोटिक फोर्स वालों ने एयरपोर्ट पे लगाई हुई है, लेकिन जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए. और शीशा पे जो बैन हुआ था, यस कानून आया था, लेकिन अब वो हटा है या दोबारा अवेलेबल हो गया इसकी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज वो पब्लिसाइज नहीं हुआ. लेकिन हाँ, बैन हुआ था. तो अभी भी है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट वाले पैसा बनाने के लिए उन्होंने तो फेसबुक पे एप्लीकेशन डाला, उन्होंने तो ये कहा था कि आप दूसरी ड्रग्स रोकें, बिकॉज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे कोकेन, हैश, शराब और ये जो आप आइस कह रही हैं ये सब चलती हैं. तो उन्होंने ये सोचा कि शीशा तो इतना हार्मफुल भी नहीं है, तो आप शीशा को क्यों रोक रहे हैं, आप पहले उन चीजों को कंट्रोल करें. तो अगर कानून बनाना है तो उसको इतना स्ट्रांग बनाए ना कि वो लाइक एक चीज ना कंट्रोल हो रही हो तो फिर सारी ड्रग्स कंट्रोल हो रही हो ना. अब इस तरह से आप देखिए टैबलेट्स हैं, और मैं आपको बताऊँ कोई भी टैबलेट नींद की अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो ऑफकोर्स आप सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, आप अपने होश में नहीं रहेंगे. तो इसी तरह ये जो आप देखें जो दुकानों पे बिकती हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो इसका भी नोटिस लेना चाहिए. लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट क्या नोटिस लेंगे, वो तो कुत्ते पागल जब मुंह नोचते हैं बच्चों का तो वो कहते हैं कि बच्चे कुत्तों को छेड़ते क्यों हैं. मिनिस्टर साहिबा ये देती हैं स्टेटमेंट. जी, तो खैर वो अब सिंध गवर्नमेंट और इनकी तो खैर इनकी ये क्या हमारा तो ख्याल रखेंगे ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी. तो लेकिन ये है कि बहरहाल बिकती हैं ड्रग्स दुकानों पे, और लोग 10-10 रुपए में जो है वो ड्रग्स खरीद रहे होते हैं. इसी तरह से कच्ची शराब बहुत सस्ती मिलती है, तो जिनको अवेलेबल नहीं होता वो यानी कि अपनी अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए वो अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते ना. इसीलिए तो सड़कों पे आप देखें किस तरह से वो बदहाल और वो होते हैं. लेकिन मैं उनको चाहिए कि इन लोगों की हेल्प करें, और अगर देखे सड़क पे कि किसी को ये लत में कोई मुब्तला है तो बजाय उनको जलील करने के लिए के और आउटकास्ट करने के, उनको हॉस्पिटल्स में लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री ट्रीटमेंट करते हैं ड्रग एडिक्शन की. बहुत सारे लोग पैसा लेके भी करते हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो डेफिनेटली अपने बच्चों को महंगे अस्पतालों में डाल देते हैं. तो अच्छा, आपको लगता है कि जो बहुत ज्यादा नशे के आदी होते हैं, जो कि बिल्कुल मतलब स्टेज उनकी ऐसी चल रही होती है कि बिल्कुल लास्ट ही कह सकते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट होता है और इम्प्रूवमेंट आती है? जी बिल्कुल आती है, बिल्कुल. अगर आप ट्रीटमेंट सेंटर्स में डालेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, एडिक्शन सेंटर्स में, तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट तो आती मतलब है. लेकिन किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं कुछ आप बताएंगे? देखिए वो तो फिर वहाँ पे स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उनके काउंसलिंग सेशंस करते हैं, प्लस उनको मेडिसन्स ऐसी दी जाती हैं जो उनकी बॉडी को क्लीन करती हैं. ना सिर्फ वो कि और उनके काउंसलिंग सेशन से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है. लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी आपकी हालत काउंसलिंग से फिर भड़कर चले
जाती है और इन तमाम चीज़ों का ड्रग्स का ताल्लुक होता है डिप्रेशन से, एंग्जाइटी है आपको, डिप्रेशन है आप के कुछ ड्रीम्स हैं आप लाइफ में वो पूरे कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं मूव ऑन, इसी तरह मोहब्बत में अगर आप नाकामी हो गई है तो आप वो गम लाइफ पार्टनर का बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसी तरह अगर आपकी शादी, इसी तरह और बहुत सी चीज़ें, अगर रेप है और बहुत सारी सेक्सुअल हरासमेंट है लड़कियों के साथ स्पेशली, तो वो अपना गम गलत करने के लिए भी यू नो लड़कियाँ भी इसलिए वो ड्रग्स पर आ जाती हैं, इसी तरह लड़कों के साथ भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो कुछ बचपन में, या किसी ने घर में इतना मारा पीटा हो, पेरेंट्स बहुत जुल्म करते हैं, मारते हैं अपने बच्चों को, अपने से दूर करते हैं, तो बच्चे जो है वो अपने घर को जो है वो फिर उनको तहफ़ घर में नहीं मिलता, और अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट वो कहते हैं कि औरतों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस जगह जो है वो घर है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स जो औरतें सफर करती हैं वो घरों से ही करती हैं, क्योंकि अगर एक औरत ड्रग्स ले रही है या वो किसी ऐसी चीज पे जा रही है तो यकीनन उसको अपनी जिंदगी से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। आप सबसे पहले इट मींस आपने अपने अंदर अपने आप से प्यार और दिलचस्पी आपने खत्म कर दिया, तभी आप ड्रग्स डिपेंडेंट से तो हो गए लेकिन अपने इर्द-गिर्द के लोगों से भी होगी, क्योंकि वो इतनी डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होती है कि आपको लगता है कि यू आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड और आपका कोई भी नहीं है। अच्छा, मैंने एंटी नार्कोटिक फोर्स के साथ काफी काम किया है ड्रग्स अवेयरनेस पे, और हमारा ये होता था कि हमारा मिशन ये था कि हम यूथ को इतना एम्पावर करें कि वो कहें नो टू ड्रग्स, उनका स्लोगन भी यही है से नो टू ड्रग्स, तो उसमें ये था कि कोई भले कितनी भी ड्रग्स बेचे लेकिन हमारी यूथ को इतना एम्पावर होना चाहिए कि वो बोलें कि हमें ड्रग्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें फौजिया तो यूथ हमारी इसके अंदर हमें ज्यादा इन्वॉल्व होती भी दिखाई दे रही है। अब वो ड्रग पैडलर्स ड्रग सेलर्स भी उन्हीं लोगों में से होते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज देख लें, कॉलेजेस देख लें, इवन स्कूल के बच्चे तक इससे काफी मुतासर हो रहे हैं, उनमें भी ये जो है ड्रग्स वगैरह। जी बिल्कुल, एक स्कूल की मैं ये कहती हूँ कि स्कूल इंतजामिया जो है इस तरह से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखती। आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट नीड टू टॉक टू दी अकेडमिया और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से उन्हें बात करनी चाहिए, और बल्कि आई थिंक उनको कोई सीक्रेट मिशन भी स्कूलों के बाहर ज़रूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास एक कंप्लेन आई थी कि जो स्कूल के बाहर जो बर्गर बेचता था ना बर्गर वाला, तो वो कोकेन अंदर डाल देता था बर्गर के। अच्छा। तो तमाम बच्चे घर जाके बहुत गहरी नींद सो जाते, अब वो बच्चों को एडिक्शन हो गई तो बच्चे बर्गर वहीं से लेते थे, जिस दिन बच्चों को बर्गर नहीं मिले वो मारने पीटने पर आ जाते थे, तो कुछ पेरेंट्स ने नोटिस लिया कि वॉट इज़ सो स्पेशल इन दिस बर्गर, और पुलिस को रिपोर्ट हुई और जब वो एग्जामिन हुआ तो उसमें कोकेन जो है वो डाल के बच्चों को देता था ताकि उसका बर्गर ज्यादा बिके। तो यू नो सम टाइम्स बेचारे मासूम बच्चे इस तरह की दरिंदगी का भी, इसको मैं दरिंदगी ही कहूंगी क्योंकि बेचारे मासूमों को तो नहीं पता, इसी तरह अगर कोई एक इन्फेंट है और उसका बाप स्मोक कर रहा है कोकेन या हैश और बच्चा, तो साइड इफेक्ट्स उसके ऊपर भी तो हो रहे हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में वाइल विजिटिंग वन हॉस्पिटल, तो वहाँ छोटा सा बच्चा था 6 माह का, तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये ड्रग्स लेता है क्या, उसने कहा कि इसके फादर ड्रग एडिक्ट हैं, तो ये चूंकि फादर के कमरे में होता था जब उनको लेनी होती थी ड्रग्स तो वो इस कमरे में लेके आते थे, तो बच्चा सफर कर रहा है ड्रग एडिक्शन को, क्योंकि वो पैसिव था, पैसिव यूजर बन गया था, तो वो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब कोई चीज आप ऐसी ले रहे होते हैं तो आप अपने आसपास वालों को कितना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको अपनी तो परवाह है नहीं लेकिन जो आपके माँ बाप हैं जो प्यार करते हैं, मैंने बड़े मजबूर पेरेंट्स को देखा है रोते हुए खून के आंसू, क्योंकि उनका अगर एक माँ बाप ने एक बच्चे पे पैसा लगाया है तो यू नो इस पे भी बात करेंगे, लेकिन वफा बहुत जरूरी होता है। नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada.
I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. आपके depression, family, court problems और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राप्ता कीजिए 647-765-6311 address 565 Markham Road, Scarborough. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक पे जाने से पहले फौजिया हमें बता रही थी कि किस तरह से बर्गर वाला जो है बर्गर में कोकेन डालता है और बच्चों को इसका आदि बना रहा था, और इस पे हमें जो है खूब कड़ी नजर रखनी चाहिए. जबकि कोकेन स्निफ करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो बर्गर के अंदर डालते किस तरह. कि कुछ ना फीमेल मदर भी होती हैं जो कि मतलब बच्चों के साथ स्मोक कर रही होती हैं, मतलब उन बच्चों के ऊपर क्या असरात इसके मुरतब होते होंगे. तो बच्चा तो उसका आदी हो जाता होगा. और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जब हम आप देख लें सिगरेट का डब्बा वगैरह बॉक्स आप देखें, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई होती है कि कितना खतरनाक है. लेकिन लोग, मैं ये कहती हूँ, खरीद तो लेते हैं, क्या उसको देखते नहीं होंगे. मैंने एक दफा देखा तो मैं डर गई थी बिल्कुल ना, अजीब सी उसके ऊपर एक पिक्चर सी बनी होती है. और हम देखते हैं कि हमारे ड्रामास वगैरह जो बन रहे हैं उसमें भी अगर कोई स्मोक कर रहा होता तो नीचे जो है वो लिखा हुआ नोट जारी हुआ हुआ होता है. लेकिन फिर भी हम लोग क्यों ये दिखा भी रहे होते हैं. हाँ, और मतलब फिर भी इसके यूजर्स होते हैं. जी, पुराने जमाने में तो दिखाते थे ना बड़े हीरोज स्मोक. हाँ, कर रहे हैं और लड़कियां हो रही. हाँ, लेकिन बहरहाल ये सब गलत चीजें हैं और इसमें कोई ऐसी. और आजकल तो आप देखिए लोग भंग का नशा. हाँ, और एक और भी होती है वो जो अक्सर पठान लोग खाते हैं, नस्वार का नशा, यू नो. तो आप देखिए कि कोई इंतहा नहीं है कि आप लाइक बचत का रास्ता तो कहीं पे भी नहीं है. तो आई थिंक वन, अब जैसे आपने कहा जो कहते हैं ना अगर पठान को नस्वार ना मिले तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो इसलिए पठान को नस्वार देना बहुत जरूरी है. उसके लेने से ज्यादा उनका दिमाग खराब हो जाता है. ठीक है, और नस्वार में भी कैटेगरीज है जी. अब तो और मजीद तरक्की पाती जा रही है. हमने गुटका की बात की, बल्कि मेरी एक मेड थी वो गुटके के बगैर रहती नहीं थी और उनके दांत बिल्कुल ब्लैक हो गए थे. मैंने कहा यार आपकी इतनी गंदी पर्सनालिटी हो गई है, आप इतनी खूबसूरत थी, अब आप देखें इनके लोअर, क्योंकि ये तो महंगा नशा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे यू नो बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स. और आप इनके दांत देखें ब्लैक, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, बिकॉज अब एक लत लगी हुई है. अपनी पर्सनैलिटी की भी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि आपकी किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है. एक बार मेरे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया, तो उसमें हस्बैंड ने खूब मारा हुआ था वाइफ को. तो खैर वो बाद में पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट थी जो वाइफ थी, और हस्बैंड उनकी दो तीन बार ट्रीटमेंट करवा चुके. अच्छा. थे तो जब वो हाई डोप पे ले लेती थी और जब वो उस पर हाई होती तो वो हस्बैंड को मारती थी. अच्छा. बहुत ज्यादा. हाँ, और ऑफिस में उनकी इस तरह, क्योंकि वो होश में नहीं रहती थी, और जब होश में आ जाती थी तो फिर वो माफिया मांगनी, और इसी तरह उनका एक बेबी भी पैदा हो गया. तो वो यू नो जब वो ड्रग्स लेती थी तो ऑफकोर्स बेबी सफर करता था, और बेबी भी जो है वो 6 साल की उम्र में ही सिगरेट लेके एंड देन ही स्टार्टेड. तो वो डोमेस्टिक वायलेंस हस्बैंड ने उनको इस तरह से मारा कि आपने खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली. अवेयरनेस के लिए बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी बनाए जाते हैं, स्टोरियां भी होती हैं, न्यूज में भी बताया जा रहा होता है, लेकिन लोग फिर भी उनसे कुछ नहीं सीखते. और हम देखते हैं एट द एंड जो नशा करता है उसका एंड क्या होता है, बहुत बुरा एंड होता है. एग्जैक्टली. कुछ लोग तो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं. सबसे पहले तो यू नो बीइंग ए फैमिली, अगर हमारे घर में कोई फैमिली मेंबर जो है वो तरह की ड्रग एडिक्शन में, उसके सबसे पहले आप सिम्टम्स नोट करें. अगर आपका बच्चा, भाई, बहन या कोई भी घर का क्लोज आपका फर्द, अगर वो दूर दूर रह रहा है, खाने की टेबल पे साथ नहीं बैठ रहा, फैमिली के साथ बहुत कम स्पेंड कर रहा है टाइम, अपने कमरे में बंद है, या घर से बहुत ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. या तो वो डिप्रेस्ड है, ही और शी इज़ ट्राइंग टू सीक हेल्प फ्रॉम यू,
या फिर वो किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया है कि वो शर्मिंदगी के शर्मिंदगी की वजह से आपको बता नहीं सक रहा है. तो एज ए फैमिली, एज ए पेरेंट्स को मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगी, एज ए हेड ऑफ़ फैमिली, फादर मदर्स, उनको चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स उनको नज़र आ रहे हैं तो बच्चों को ऑब्ज़र्व करें, उनके कमरे चेक करें कि कमरों में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उनके बैग्स की ज़रूर तलाशी लें, उनको स्कूल खुद छोड़ कर आएँ, उनको पिक ज़रूर करें और उनसे बात ज़रूर करें. कम अज़ कम लंच या डिनर अपने बच्चों के साथ ज़रूर करना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि वो उनसे खुल के बात कर सकें. दूसरी बात ये कि घर का माहौल इतना सख्त ना रखें कि बच्चे जो है वो आपके साथ डरे हुए रहें और आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर ना करें और बाहर उनको कोई फिर ड्रग डिपेंडेंट करके और मिसयूज कर ले और वो जो है वो इस दलदल में धंस जाएं. तो पेरेंट्स शुड बी फ्रेंडली टुवर्ड्स चिल्ड्रन, ना कि वो उनको तमाम बातें शेयर करें. और तीसरी बात ये कि आप अपनी रोज़ाना डेली लाइफ में बच्चों को ज़रूर ड्रग्स के बारे में बताएं, उनको पिक्चर्स दिखाएं जैसे मैंने पहले कहा, और उनको अवेयर करें कि ये लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग्स हैं, अगर कोई आपको ऑफर करता है तो बेटा आप इसको नो बोलें. और इस तरह तमाम प्रॉब्लम्स अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ऐसी नौबत ही ना आने दें कि वो इतने स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाएं, क्योंकि आपको पता है दुनिया बहुत जालिम है. एक बच्चा जो या बच्ची घर में माँ बाप का लाडला होता है या लाडली होती है, वो बाहर स्कूल में या सोसाइटी में क्या कुछ फेस करते हैं हमें नहीं पता, और लोगों के जहरीले अल्फाज आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं, कैसे आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करते हैं कि आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो आपको कितना कितना साइकोटिक कर देते हैं और कितना साइकियाट्रिक आपको ट्रॉमा में से उसमें से गुजरना पड़ता है. तो आई थिंक इतना फ्रेंडली घर का माहौल होना चाहिए और इतना प्यार भरा कि आपको, अगर आप दादा हैं दादी हैं घर में, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो तवज्जो दें. एक तो एज ए इंडिविजुअल आप ये रोल प्ले कर सकते हैं, और बच्चे खुद भी अगर देखते हैं कि उनका कोई दोस्त प्रॉब्लम में है, बजाय उसको बुली करने के और उसके ऊपर कमेंट्स पास करने के वो इतना डिप्रेशन में चला जाए, आप अपने दोस्तों की हेल्प करें. आप अगर अच्छी सिविलाइज्ड आप फैमिली में से हैं और आपकी तरबियत अगर अच्छी हुई हुई है, तो आप डेफिनेटली अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे, आप कभी भी उनको ड्रग्स नहीं बेचेंगे जाके, और कभी भी आप उनके साथ ऐसे नहीं करेंगे. अच्छा फौजी, हमने देखा है कि हमारे मुल्क में नशावर चीज़ें जो हैं वो बड़ी ईजिली मिल जाती हैं, क्या वजह है इसकी? जी वो इसलिए कि कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, और दूसरी बात ये कुछ एक्साइज शॉप्स भी होती हैं जिनको अलाउड होता है नॉन मुस्लिम्स के लिए वो अल्कोहल जो है वो बेच सकती हैं. तो उसमें नॉन मुस्लिम्स के साथ साथ फिर जो हमारे दो हमारे मुस्लिम्स भी होते हैं वो भी इसका जो है वो फ़ायदा उठाते हैं. लेकिन देखिए, अगर आप अडल्ट हैं तो आपको पता है आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है, आपने क्या लेना है, और आप ऑफकोर्स अगर आपकी सेहत पे कोई चीज़ असरअंदाज होगी तो आप उसको कंट्रोल करेंगे. लेकिन अगर आप बच्चे हैं, अगर आप अंडर 18 हैं, जब आपको पता ही नहीं है, तो आप यू कैन नॉट कंट्रोल. तो मेरे ख्याल से लॉज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी इसमें स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ें ना सेल कर सके ना ख़रीद सके. लेकिन फिर बात यह कि हमारे बच्चे बाहर के मुल्कों में भी तो जाते हैं ना, वहाँ पे तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं. तो बात ड्रग सेलिंग की नहीं है, बात तो यह है कि आप खुद इतने स्ट्रांग हों कि आप नो कहें और आपको पता हो कि ये चीज़ आपके अच्छा, लिए हमारे मुल्क में ANF के अलावा ड्रग्स कंट्रोल के कितने और मजीद सेंटर्स होंगे? एंटी नारकोटिक फोर्स ही करता है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस करती है, पुलिस तो हर काम ही पुलिस को करना पड़ता है ना, बिकॉज दे आर कम्युनिटी सर्विस फोर्स, तो वो नो तो क्या ही नहीं कर सकते. तो पुलिस भी जो है वो स्ट्रीट पैडलर्स को कंट्रोल करने में और ड्रग पैडलर्स को, बल्कि पुलिस ने इस पिछले 6 महीने में तो बहुत अच्छा काम किया है. और हमारे यहाँ जो है वो ड्रिंक पर जो पाबंदी है, लेकिन अक्लियतों को परमिशन हासिल है, लेकिन आम शहरी उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अब वही तो मैं कह रही हूँ ना कि जैसे हमारे लोग भी जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हर चीज अवेलेबल होती है, लेकिन जिस बच्चे को या जिस इंसान को पता होगा कि हमारे मजहब में भी हराम है ये चीज और हमारी सेहत के लिए खराब है, तो वो वहां जाके भी नहीं लेंगे. तो असल चीज अवेयरनेस है, और आपके अंदर खुद इतनी सेंस होनी चाहिए कि एक चीज बुरी है तो आप उसको यू नो नो कह सके ना. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
अच्छा हमने ये भी देखा है, हमने मेडिसिन वाले नशे की बात की और भी दीगर नशों की बात की, इंजेक्शन का नशा आजकल काफी परवान चढ़ता नजर आ रहा है और वो बहुत डेंजरस होता है। उसमें फीमेल जो यंगस्टर लड़कियां हैं वो भी हमने देखा है काफी, मतलब अब तो खुद ही एक होता है ना एक डर होता है इंजेक्शन से कि नहीं यार इंजेक्शन चुभेगा तकलीफ होगी, लेकिन वो खुद इतनी आदी हो चुकी है कि खुद ही इंजेक्शन यूज कर रही होती है, तलब ऐसी होती है कि वो एक वक्त का खाना तो नहीं खाएंगे लेकिन इंजेक्शन जरूर लगाएंगे। बस अब दे आर पुअर गर्ल्स, अब वो इतनी ज्यादा लाइक हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को हेल्प की जरूरत है, हमें वी शुड पुट देम इन हॉस्पिटल्स। अगर अकेडमिया इसमें रोल प्ले कर सकता है कि अपने स्टूडेंट्स पे नजर रखें और आसपास स्कूल के कोई ऐसे लोग नजर आते हैं जिनको हेल्प की जरूरत है तो उनसे बात करें, उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट कराएं, उनके पेरेंट्स से बात करें, अगर बच्चा पेरेंट्स के क्लोज नहीं है तो कम अज कम टीचर्स के तो क्लोज होगा, टीचर्स को तो बताएंगे, तो टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि वो बच्चे के साथ बात करके उनके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर बताएं और उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं, कम अज कम हम कुछ जिंदगियां तो बचाएं और हमारा यूथ जो है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का। अगर इसी तरह से ये लोग बच्चे बर्बाद होते रहे तो फिर हमारे मुल्क को कौन संभालेगा, पाकिस्तान को कौन संभालेगा। हमने पहले भी बात की तो गुटखा जो है वो काफी फेमस होता जा रहा है, अब उस पे बिल पास हो गया ना, अब उसकी तो क्राइम है उसके साथ इस तरह से, लेकिन फिर लेकिन अभी पिछले दिनों प्रोवाइड हो जाता है, प्रॉपर पाबंदी लगाई जाती है, स्ट्रीट पैडर्स भी लोग फॉलो करते, लेकिन फिर दोबारा से नशावर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज, वो एक्चुअली उनके घर की रोटी भी तो ऐसे चल रही होती है ना, तो लाइक वो चाहते हैं वो कैसे रोकेंगे। तो वो तो ऐसे मैसेज मैंने खुद सुने हैं लोगों के मोबाइल्स में कि माना कि गुटखा बंद हो गया है मैं तुम्हें 1,000 रुपए की दे दूंगा, वो जो चीज 50 रुपए की मिलती है तो वो 1,000-1,000 रुपए की बेचते हैं, तो शायद इससे भी थोड़ी कमी आ जाए क्योंकि 1,000 रुपए का तो अब गुटखा कोई खरीद के खाएगा लेकिन नहीं, जो इतने ज्यादा आदि हो चुके तो उनके लिए मुझे नहीं लगता 1,000 रुपए भी ज्यादा होंगे। हाँ आई थिंक दे नीड टू अटेंड हॉस्पिटल फॉर दैट, और हॉस्पिटल्स काफी सारे हैं हमारे पास, गवर्नमेंट के भी इदारे हैं और प्राइवेट भी हैं और कुछ एनजीओज भी रन करते हैं जो बहुत मिनिमल अमाउंट लेते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें उनको धुतकारना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है जैसे टाइफाइड होती है, जैसे मलेरिया होता है, तो ये बिल्कुल जैसे कैंसर होती है। अब अगर किसी को हमारी फैमिली में या अल्लाह ना करे घर में कैंसर है तो हम उसको उठा के सड़क पे तो नहीं फेंकेंगे ना, हम उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, तो इसी तरह लोगों को चाहिए कि ड्रग एडिक्शन को भी एक बीमारी समझें, दिस इज डिजीज और इट शुड बी अटेंडेड प्रॉपरली, और इसकी जो रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इन जनरल पूरी सोसाइटी को मिलकर रोल प्ले करना सही है, इस पर भी बात करते हैं लेकिन बढ़ते हैं एक वक्फे की जानिब। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311, एड्रेस 565 Markham Road, Scarborough। वेलकम बैक
ब्रेक. नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो है फौजिया हमें बता रही थी. तो फौजिया, अच्छा मैं आपसे ये भी पूछूंगी, हमारी जो यूथ है हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा इसकी आदी होती जा रही है. मतलब कुछ ऐसे भी हैं कि जो मतलब देख रहे होते हैं गलत होता हुआ तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, एहतजाज भी किए जाते हैं, हमने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है. लेकिन यूथ जो है हमारी, कुछ जो है मतलब कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो बातों में आ जाते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा है, ट्राई करो, मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा, स्ट्रेस रिलीज होगा, एग्जाम्स में नंबर अच्छे नहीं आए या किसी ने कुछ कह दिया, तो इस तरह की बातें होती हैं ना टीनेज में. तो हम देखते हैं कि किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाए. इवन हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उनको इस तरह से अफेक्ट किया जा रहा है. जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मेरे पास भी एक कंप्लेन आई थी कि एक स्कूल के वॉशरूम में दो बच्चों ने एक दूसरे को ड्रग्स जो है वो पास की थी और वो दोनों एडिक्ट थे, और जो तीसरा ऑफ कोर्स देख रहा था उसने ही मुझे आगे बताया था. तो कम अज़ कम ऐसे बच्चे जो अपने होशो हवास में हैं, जिनको इतनी समझ है कि ड्रग्स जो है वो बुरी चीज़ है और नहीं लेनी चाहिए, अगर वो देखते हैं अपने स्कूल में या कहीं पे भी मोहल्ले में, गली में, घर के आसपास ऐसी एक्टिविटी, तो उनको चाहिए वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें कि ऐसा शख्स है और वो इस तरह की ड्रग्स आके बेच रहा है. और दूसरा ये कि अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनकी हेल्प करें, उनको बताएं. क्योंकि मैंने ये भी सुना कि स्कूल्स में एग्ज़ाम्स के दिनों में जैनेक्स का पता ले लेके जो है वो बच्चे घूमते हैं कि ये बड़ा रिलैक्स करती है. मुझे बताएं जैनेक्स कहाँ से रिलैक्स करती है, वो तो नींद की दवाई है. और उस स्कूल में भी बच्चे जो है वो जैनेक्स ले लेके क्लासों में पड़े हुए होते थे, क्योंकि उस बच्चे ने सबको पत्ता पत्ता बेचा, किसी ने चार ले ली, किसी ने छह ले ली, बट वो इनिशियल स्टेज थी, स्कूल मतलब ने कंट्रोल कर लिया. मुझे ये समझ में नहीं आता मेडिकल स्टोर वाले विदाउट स्लिप के मेडिसिन कैसे. जी वो उन्होंने कहा कि घर में उनकी दादी बीमार थी तो उनको रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर देते थे, तो उन्होंने सोचा कि चूंकि दादी ले सकती है, लगता नहीं कैसे मेडिकल स्टोर्स वाले जो है उनको. बिल्कुल, उनके खिलाफ पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और पुलिस ले भी रही है. दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क. मेरे ख्याल से इतना एक्शन लेने के बाद ही, इतनी रोकथाम के बाद ही अब थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है और थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि इसका थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया है. बट पुलिस के अलावा भी इन जनरल सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. अगर कोई दुकान वाला बेच रहा है तो आप फौरन उसकी रिपोर्ट पुलिस को करें. इसकी अवेयरनेस के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? आप अपने TNN चैनल पर ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें या एक लाइनर मैसेज बनाकर आप वो हर एक घंटे बाद अगर चलाएं कि नशा जो है वो सेहत के लिए खतरनाक पड़ेगा. क्योंकि एक मैसेज बार बार अगर माइंड्स में बच्चों के चलता रहेगा या वो देखेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए सोचेंगे तो ना कि ये चीज बुरी है और दिस इज बैड फॉर अस. इसी तरह ये सिगरेट और इन तमाम चीजों से शुरू होती आपको है. नहीं तो लगता कि सिगरेट पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल. और घर में पेरेंट्स को नॉर्मल शॉप्स पर इजीली अवेलेबल होती है. एग्जैक्टली. और पेरेंट्स को करना चाहिए ना, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आप घर से बाहर जाके कर लें, बच्चों से छुपके कर लें. पहली तो बात है करें या नहीं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है, लेकिन आप कर भी रहे हैं तो आप ये सोच लें कि आप शराब पियेंगे तो आपके क्या बच्चे रुकेंगे. जो जैसा घर का माहौल होगा बच्चे जो हैं वो फिर इसी रास्ते पे चलेंगे. और फिर आप खुद तो एक काम कर रहे हैं और अगर आप अपने बच्चों को मना कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है. क्योंकि लोगों अगर बच्चे तो फिर कहेंगे आप खुद तो करते हैं और लोग ऐसे शुगर में भी ट्राई कर लेते हैं लेकिन फिर वो होता है कि उनको इतना अच्छा टेस्ट. ट्राई करने के लिए देखिए अच्छी अच्छी चीजें हैं. आप आइसक्रीम खाएं, आप रसमलाई खा लें, आप बिरयानी खा लें, आप फिश एंड चिप्स खा लें, ग्रिल फ्रेंच फ्राइज खा लें. यू नो यू कैन ट्राई वट एवर यू लाइक टू मेक योर मूड. अगर आप अपसेट हैं, इतना खूबसूरत आपको अल्लाह मियां ने समंदर दिया है यहाँ कराची वालों को, इतना खूबसूरत मुल्क है, कहीं दरख्त के नीचे बैठ जाएं, किसी फ्रेंड के साथ वॉक करें. क्योंकि हम देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं ना उनकी सेहत भी काफी गिरने लग जाती है. जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आपका उनको तो लोग फिर अलग ही पता चलता है कि यार ये ना. आपको पता है एक बार मैं बोर्ड बेसन कुछ चीज लेने गई तो मैंने एक BMW में से एक लड़के को निकलते हुए देखा जो कि आकर वहां पे सिगरेट वालों को कह रहा था कि मुझे प्लीज फ्री में सिगरेट दे दो, मैं कल लौटा दूंगा. वो हर दुकान पे जाके कह रहा था कि प्लीज मुझे अल्लाह के वास्ते दे दो, मुझे अल्लाह के वास्ते ये दे दो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा. आप सोचें एक BMW में से लड़का निकल रहा है तो क्या उसके पास पैसे नहीं होंगे. मैं ऑफ कोर्स समझ गई कि ये ड्रग एडिक्ट है और बेचारे को इसको हेल्प की जरूरत है और ये है. एंड बल्कि मैंने उनकी काफ़ी हेल्प भी की, उनके साथ जो भी उनके ड्राइवर थे, मैंने कहा आप इनके पेरेंट्स का मुझे नंबर दें. एंड आई
spoke to his parents ke ji aap iski help kare, aapke bete ko bimari hai, aur unhone mera bada shukriya bhi baad mein ada kiya. Maine unko hospital bhi bataya ye wo, and wo abhi treatment le raha hai wo bachcha. Sahi, theek, bahut hi matlab ye jo ek sangeen masla hai aur nasha jo hai wo bahut shiddat ikhtiyar karta ja raha hai, iski roktham ke liye jo hai hame aise ikdamat karne ki zarurat hai ki iski jo hai jad se iska khatma kiya jaye. Bahut shukriya fauzia, aapne itni achhi baatein hame bataye ki hum isse kaise dur reh sakte hain, aur parents especially apne bachcho par jo hai wo nazar rakhe, aur especially chote bachche jo school jane wale hain un pe bhi kaafi nazar rakhe ki koi wo is tarah ki cheez ke aadi to nahi ho rahe. Program jo hai apne ikhtitam ko pahunche, apni host Kokab Farooqui ko ijazat dijiye. Allah ne kabaan.